पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो है दूसरी बार डेट को एक्सटेंड किया गया है। जो भी कैंडिडेट यहां पे इंटर इंटर आईटीआई डिप्लोमा बीई बीटेक ग्रेजुएशन या जो भी 10th अगर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन रखते हैं तो यहां पे आवेदन कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट क्या रखा गया है, अप्लाई करने का डेट कितना एक्सटेंड किया गया, आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले करेंगे गुजारिश कि चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम आ चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जो बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया था पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को भरने के लिए। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे अप्लाई फॉर एकेडमिक ईयर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको रीडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से हम ऑनलाइन अप्लाई करते थे। तो शुरू में ही आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें लास्ट डेट जो बताया गया है, लास्ट डेट ऑफ अप्लीकेशन 31/10 यानी 31 अक्टूबर तक आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। पहले जो डेट था 30 सितंबर था यानी 30/9 था, बाद में जो डेट बढ़ा वो 15 अक्टूबर था यानी 15/10 था, और अभी का जो डेट है 31/10/2021 रखा गया है। अब आप 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे फ्रेंड्स, बहुत से ऐसे कमेंट आते हैं देखने के लिए कि आप पेज क्रिएट करके आप बनाते हैं, तो भाई इसके लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, मैं आपको वीडियो नहीं रोकूंगा। यहाँ पे टाइप कर देना है pms.online.bihar.nic.in, सर्च पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा, यहाँ पे इसको स्क्रॉल कीजिएगा, फिर यहाँ से क्लिक कीजिएगा, आपके सामने वो वाला पेज ओपन होकर आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो आप देख ले सकते हैं 31/10 तक आपका ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट बढ़ गया है। आप अपना सर्टिफिकेट तैयार रखिए, नहीं है अप्लाई करने का अगर सर्टिफिकेट तो आप सर्टिफिकेट पहले बनवा लीजिए, उसके बाद आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है, वीडियो के अंत में या वीडियो का आई बटन में आपको देखने को मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके डायरेक्ट आप ऑनलाइन अप्लाई अपने मोबाइल फोन से आप अपने घर बैठे कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह के अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं नए अपडेट नए वीडियो नए रिक्रूटमेंट के साथ। तब तक ले दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।